मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक महिला को बेहोशी की हालत में अस्पताल में छोड़कर भाग गए। दरअसल पूरा मामला नगर कोतवाली के एक निजी अस्पताल का है, जहां सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर होता है कि दो बाइक पर सवार कुछ लोग एक महिला को बेहोशी की हालत में लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद उस महिला को ये सभी लोग लेकर अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। भर्ती कराने के तुरंत बाद ये सभी अज्ञात लोग अस्पताल में महिला को लावारिस छोड़कर फरार हो जाते हैं। महिला का आरोप है कि उसके मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे जबरन जहर दिया था, लेकिन उसे अस्पताल में किसने भर्ती कराया इसकी जानकारी उसके पास नहीं है। हनुमान चौक के पास ही निजी चिकित्सालय में कोई महिला संदिग्ध परिस्थिति में दाखिल हुई। वो अपने सामने रहने वाले पड़ोसियों का आरोप लगा रही थी कि उसके लड़के, उसकी माँ, उसकी बहन ने क्लास में मिला के कुछ पिला दिया। वो घर जाके बेहोश हो गई, संदिग्ध अवस्था में जो है अस्पताल दाखिल है। जांच के लिए प्रथम दृष्टया कहना भी जल्दबाजी होगा, मामला आपसी काफी दिनों से इनमें विवाद चल रहा है, उसी को लेकर एक दूसरे का आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।